हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। अब देखो इसका कास्ट 350 रुपीज है, लेकिन आपको 350 का पेमेंट नहीं करना है। वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप स्टैंड अप 50 यूज कर लेना, आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 175 में आपको यह पड़ेगा, जिसमें आपको 15 सेट सेक्शन 1 का और 15 सेट सेक्शन 2 का मिलने वाला है। लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बूस्ट हो जाने वाली है। तो एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लेते वक्त स्टैंड अप 50 कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सुपर मॉक टेस्ट है मैथ्स का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए जो मिक्सअप टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा इसमें उसमें डाला जाएगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे इसमें। और जो आपका सुपर मॉक टेस्ट नाम से एक सीरीज चलाया जा रहा है, और आपको जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता तब तक ये सीरीज आपको मिलेगी। और आप लोग क्या करेंगे, जब भी इस क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और साथ में क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है, ठीक है। एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंभे पे चढ़ने का प्रयास करता है, पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ जाता है, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई खंभा है, ठीक है, ये कोई खंभा है, ठीक। उसमें क्या करता है, ये 30 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है, 30 मीटर इसकी लंबाई है। पहले मिनट में वो 15 मिनट चढ़ता है, 15 मीटर चढ़ता है पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कितना चढ़ता है, 15 मीटर चढ़ता है। और सेकेंड अटेम्प्ट में वो क्या हो जाता है, 12 मीटर नीचे चलाता है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में 12 मीटर नीचे और 15 मीटर ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब देखिए कितना, 12 मीटर नीचे आ रहा है, 15 मीटर चढ़ रहा है, तो कितना चढ़ रहा है वो, दोनों का डिफरेंस यानी 3 मीटर, यानी 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, 3 मीटर चढ़ रहा है। पूछा है इस दर से वह कितनी देर में खंभे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा, इस दर से वह कितनी देर में खंभे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। खंभा कितना बड़ा है, 30 मीटर। तो मान लीजिए इसी तरह करते हैं तो 5 मीटर में, 5 मिनट में 5 बार और जाते हैं इसको, तो ये कितना चढ़ा जाएगा, 15 मीटर चल जाएगा। और कितना मिनट में, 10 मिनट में, तो कितना समय लगेगा आपका, 10 मिनट, और कितना मीटर चलेगा ये, 15 मीटर, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना चढ़ गया, 15 मीटर चढ़ा गया। जब 11वां अटेम्प्ट लेगा, जब 11वां अटेम्प्ट ये जाएगा तब तो प्लस 15 मीटर और जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कितना जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जाता है 15 मीटर। 11वां अटेम्प्ट लेगा यानी 11 मिनट में ये कितना चढ़ जाएगा, 30 मीटर चढ़ जाएगा। तो 11 मिनट में ये 30 मीटर चढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास 10 से 20 सेकंड है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी इट बी 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, करो 40, 50, 60, 80। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका ऑप्शन जो भी है उसको देख के आप लोग कमेंट कीजिए इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कैसे लगेगा ये, तो आप लोग इसका देखिए जो दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कितना होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका दो फार्मूला होता है, एक पहला फार्मूला देखिए क्या होता है, एक होता है RT n-1 × 100। ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। एक और मेथड होता है इसका, क्या होता है ये भी नोट कर लीजिएगा, T1/T2 = n1-1 n2-1। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, R रेट है, T टाइम है, n क्या है, कितना गुना हो जा रहा है, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में क्या है, T1 टाइम है, T2 टाइम है, और n1 आपका कितना गुना हो रहा है, n2 कितना गुना हो रहा है। तो इससे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फार्मूला हो गया। अगर आप लोग चाहें तो और भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए 20 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। चाहें तो वैसे ही आप देख के ऑप्शन कर सकते हैं, 20 वर्ष में 2 गुना। तो पूछा 4 गुना कितने वर्ष में होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से आर लगा कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से अगर आपको आर निकाल के करना होता तो आप आर लगा कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा ये फार्मूला यूज कर लेना सबसे बेहतरीन होगा। टी टू निकालना है, 20 बटे T2, पहले कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना, 2-1,
लास्ट में कितना गुना करना है, चार गुना, चार माइनस एक, तो टी टी बराबर कितना हो जाएगा, बीस गुणे चार में से जाए तीन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, यानी बीस साठ, यानी टी टू आपका कितना आ गया, साठ वर्ष आ गया। आप इससे लगाना चाहते हैं तो आप लोग इससे भी लगा सकते हैं। इसका देखिए क्या हो जाएगा, जो आर टी है तो यहाँ से आर निकालना पड़ेगा आपको, टी कितना दिया है, ट्वेंटी दिया है, पहले कितना गुना हो रहा है, दो, दो में से माइनस वन कर देंगे इंटू हंड्रेड, यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आपका आ जाएगा 5%। अब फिर यहाँ से पूछा कितने वर्षों में, फिर यही फॉर्मूला यूज करके 5 इंटू टी और कितना गुना करना है, चार, ठीक है, चार गुना करना है तो चार माइनस एक इंटू हंड्रेड, ये कितना हो जाएगा, थ्री, यहाँ थ्री हंड्रेड बाई फाइव, ये आपका कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, यहाँ से भी सिक्स हो गया, यहाँ से भी सिक्स हो गया। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया और ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है। तो ये आप दोनों मेथड दे सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, दोनों एग्जाम में काम आएंगे, जहाँ पे दर निकालना होगा वहाँ से दर निकाल सकते हैं, यहाँ से या डायरेक्ट ये कर सकते हैं, दोनों चीज़ क्लियर है। और हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा क्या दिया हुआ, एक बैग में 3:4:5 यानी 3:4:5 के अनुपात में 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं, यदि कुल मिलाकर 31 रुपये, टोटल कितने हैं, 31 रुपये हैं, ठीक है, टोटल कितने, 31 रुपये हैं, तो बैग में 1 रुपये में कितने सिक्के हैं, ये आपको बताना है कि उस बैग में कितने 1 रुपये के सिक्के हैं, आपको ये बताना है। तो आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ, ए बैग कॉन्टेंस कॉइंस ऑफ 25 पैसे 50 पैसे एंड 1 रुपी इन द रेशियो 3:4:5, इफ देयर आर 31 रुपीज इन आल, देन हाउ मेनी रुपीज कॉइंस आर देयर इन द बैग, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही आता है, इसमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, जैसे जैसे हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाएंगे उसमें और चीज़ें हम लोग इसको ऐड करते जाएंगे, उसके जो भी एग्जाम के लेवल का जो क्वेश्चन होता है, जो क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन तो नहीं गलत होते हैं लेकिन ईजी क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, तो इसको हम लोग ऐड करते रहेंगे। देखिए इसको क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, 3:4:5 दिया हुआ है, ठीक है, 3:4:5 दिया हुआ है, ठीक। अब इसको क्या कीजिए आप लोग, 3x + 4x + 5x, और देखिए इसमें क्या है, 25 पैसे में 1 रुपये में कितना 25 पैसा होता है, 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, और 50 पैसे में 1 रुपये में कितना 50 पैसा होता है, 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, और 1 रुपया आपका एक ही होता है, और टोटल दाम कितना है, 31 के बराबर है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3x + यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम जो है ये आपका 4 आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा, तो 3x + 4 × 8x + 5 = 20x, और 4 को इधर हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से कितना जाएगा, 31x + 4, तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका, एक्स बराबर आपका आ गया 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। पूछा कितना है, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5x, ये आपका 1 रुपये वाला अनुपात ये है, यहाँ से कितना जाएगा, 5x यानी 5 × 4 = 20, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 14 छात्रों के औसत का अंक की गणना 71 के रूप में की गई थी, ठीक है, 14 छात्र के औसत अंक की गणना 71 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र 56 के बजाय, ठीक है, 56 के बजाय 42 के रूप में और दूसरे के 32 के बजाय 74 के रूप में दर्ज किए गए थे, तो सही औसत क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या दिया, द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 71, बट इट वाज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 42 इंस्टेड ऑफ 56, ऑफ अनदर एज 74 इंस्टेड ऑफ 32। इसमें लिए 14 छात्र हैं टोटल, ठीक है, 14 छात्र, मैं समझा रहा हूँ, अभी बताता हूँ, तब तक आप लोग लगा के कमेंट कीजिए। 14 छात्र हैं, उनका औसत अंक कितना बनाया गया, एवरेज ये क्या है, आपका एवरेज स्कोर है, ठीक है, ये आपका एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर कितना बताया गया, 71 बताया गया था। अब 14 छात्र में से 2 लड़के ऐसे हैं जिनका एक का कितना था, 56 के बजाय कितना लिखा गया, एक का मान लीजिए 56 नंबर पाया था, उसका लिखा गया 42, और दूसरे कितना था, 32 था, और उसका लिख दिया गया 74। तो ये आपका ये या इसका कितना हुआ, ये आपका गलती हुआ था यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है
कि अगर सही औसत निकालना चाहिए, 56 की जगह 42 लिखा जाए, 32 की जगह 74 लिखा जाए, तो सही औसत क्या होगा, एवरेज स्कोर उसका कितना होगा, तो आपको ये बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए 14 स्टूडेंट्स का कितना दिया है, 14 स्टूडेंट का कितना दिया है स्कोर, एवरेज स्कोर 71 दिया है, दिया हुआ है। तो सम कितना हो जाएगा, ये 14 छात्रों का औसत कितना, औसत योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सम निकालेंगे जब 14 छात्रों का, तो क्या कर देते हैं 14 × 71, 14 × 14 = 98, 99, 994 क्या 14 छात्रों का जो अंकों का जोड़ है वो आएगा, कहाँ से आया है ये आपका फॉर्मूला पता होगा। एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स एंड ये आपका होता है नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं की कितने संख्या है ये, सम ऑफ नंबर्स ये क्या होता है, योग होता है, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है, यहाँ से मैंने ये निकाला है, ठीक है, 994 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, जो हमारा जो गलत है 56 में से 42 को क्या कर देंगे, देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, तो 994 प्लस, इसमें देखिए सिंपल सा क्या कीजिएगा आप लोग, जब भी एग्जाम में ऐसा कोई 56 − 42, ठीक है, ये कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप 56 − 32 को एक साथ जोड़ लीजिए, 42 − 74 को एक साथ जोड़ के दोनों को घटा देते हैं, मैं यहाँ अलग अलग कर देता हूँ, प्लस ये आपका हो जाएगा 32 − 74, ये हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 994 ये हो जाएगा 14, और यहाँ से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा 42, तो कितना आ जाएगा माइनस का 42। अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, 994 प्लस 14 में से माइनस 42 जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 28, माइनस का 28, और माइनस का 28 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 966 आपका सही नंबर आएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो 994 है ये आपका जब गलत लिखा गया था तब इसका स्कोर था, अब 966 कितना हो गया आपका, जब सही लिखा गया 56 के बजाय 56 लिखा गया 74 के रूप में, 32 के बजाय 74 पे लिखा गया, तो यहाँ पर 966 इसका स्कोर आया। अब क्या पूछा, सही औसत पूछा है, तो यहाँ से एवरेज लिख के 966 हो गया। अब यहाँ से आप लोग 14 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आपका 14 × 7 आपके यहाँ से कितना डिवाइड करेंगे, 14 × 6 = 84, 6 × 9, तो ये आपका एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा, 69, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या दिया है, एक व्यापारी इस प्रकार अपनी वस्तुओं को मूल्य अंकित करता है जिससे नकद खरीद पर 12.5% 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, उसे 20% का भी लाभ प्राप्त होता है, जब 12.5% का छूट देता है तब उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपया है, लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी इसको क्या बोलते हैं सीपी, उसका सीपी कितना है, ठीक है, सीपी उसका 140 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या, बिजनेसमैन मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे दैट इवन आफ्टर अलाउइंग 12.5% डिस्काउंट ऑन कैश परचेज ही गेट्स 20% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 140 द मार्क प्राइस थी, तो क्या पूछा है, मार्क प्राइस पूछना पूछा अंकित मूल्य कितना होगा, तो आपको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम छोटे से तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको हम बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए सीपी जो इसका है, जो कॉस्ट प्राइस है, उस पर कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में दिया गया है इस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो आपको देखिए 140 रुपये है इसका, ठीक है, इस पर कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 140 का 20% कितना होगा, 140 का 20% 28, ठीक है, 28 इसका क्या हो जाएगा, 20% होगा, और 140 रुपये इसका क्या है, सीपी है, 28 रुपये का आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो टोटल स्पीच इसका कितना हो गया, 168 रुपये हो गया। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 12.5% का, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है आपका, 12.5% का, तो जितना भी डिस्काउंट दे रहा है इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 12.5
5%, 100% मानते हैं, कोई भी चीज 100% होता है तो उसमें से माइनस कर देना 12.5%, कितना जाएगा 87.5%। अब जो 87.5% का यही मान दिया है, 168 का जो मान दिया है, ठीक है, ये आपका 168 का जो मान किसका मान दिया है, 87.5% का, और निकालना कितना है 100% निकालना है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 168 × 100, ये 87.5 है, तो इसको 5 ही रहने दो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 192 इज द राइट आंसर। मार्क्ड प्राइस जो 100% है वो पूछा था, यहाँ से आपका ये चीज़ हो गया। तो सिंपल सा था ये क्वेश्चन, आप लोग ऐसे कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ही देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, ठीक है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसी प्रकार लाभ होता है कि उसका लाभ प्रतिशत वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्या पूछा है, सीपी पूछा है, सीपी कितना होगा, ठीक है। एक वस्तु को जब हम लोग 144 रुपये में बेच रहे हैं, एक व्यक्ति को उस प्रकार लाभ होता है कि उसका लाभ प्रतिशत वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 ना इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 80 एंड ऑप्शन सी 75 एंड ऑप्शन डी इज 60। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144 अ पर्सन गेन्ड सच दैट द परसेंटेज गेन इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। और इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ESP किसका कितना दिया है, ESP इसका दिया है 144, ठीक है। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक इसका हम लोग यूज करेंगे बेसिक मेथड, ठीक है, एक यूज करेंगे हम लोग बेसिक मेथड, एक यूज करेंगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक, दो चीज़ यूज करेंगे, ठीक है, एक बेसिक है, एक आपका शॉर्ट ट्रिक है। सिंपल सा देखिएगा, एक वस्तु का 144 रुपये में बेसिक जब करेंगे आप लोग, बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, पहले हम एक बार शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिक से भी इसको कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बेसिक से एग्जाम में इसको कीजिएगा, क्योंकि बेसिक से ये होगा कि आपका जो टाइम होगा वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, शॉर्ट ट्रिक से ये होगा जल्दी लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, जैसे 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इस प्रकार लाभ होता है कि उसका लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, 144 रुपये का क्या है, सीपी है, ASP है, ठीक है, और उसका लाभ जो है प्रतिशत लाभ लागत मूल्य, यानी जो उसका लाभ परसेंटेज है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज है, वो किस इक्वल किसके है, कॉस्ट प्राइस के, एक्स प्लस एक्स प्रतिशत, ठीक है, इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या होता है, ESP बराबर क्या होता है, CP प्लस एक्स प्राइस, आपका क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ से इसको किए, यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 72 हुआ। अब देखिए सिंपल सी बात है कि 72 प्लस 72% 72 का 72% होगा, नहीं होगा, तो ये आपका 72 नहीं हुआ, तो ऑप्शन में 75 है, 75 के लिए, अब यहाँ से अगर 75 प्लस 75% लेंगे तब भी 144 नहीं आया होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया और एक्स प्लस 72 भी गलत हो गया। अब हम लिखते हैं 80 से, 80 प्लस 80 का 80% निकालिए, कितना आ जाएगा, 80 प्लस 8 × 64 कितना आ जाएगा, 814, 144। तो यहाँ से यानी एक्स बराबर हम 80 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या कर दे रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड हुआ। अब हम लोग इसके बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो आप लोग बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, मैं इसका बेसिक मेथड भी एक बार बता देता हूँ आपको। अब देखिए इसका बेसिक मेथड क्या होगा, मान लेते हैं उसका जो CP है, ठीक है, जो इसका CP हो कितना है, x है, ठीक है, जो इसका CP कितना है, x है, तो CP माइनस SP प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP माइनस CP बटे CP गुणे 100, ये होता है आपका, पता है, इतना पता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर जो होता है, जो इसमें क्वेश्चन में क्या आ गया, जो प्रॉफिट परसेंटेज हो किसके इक्वल है, आपका CP की इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x परसेंटेज बराबर SP कितना है, 144 माइनस एक्स बटे CP एक्स गुणे 100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से भी x का मान 80 ही आएगा, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं,
चाहे तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपके पास टाइम हो तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, बेसिक भी बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 15,000 रुपये की राशि 15% पर प्रति वर्ष की उधार से 10 से उधार दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको बताना है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। असम ऑफ 15,000 रुपीज इज लेंड एट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको हम 30 सेकेंड का टाइम देंगे, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसका जो अगर हम बेसिक मिनट से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, और हम इसका बेसिक मिनट से जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक मिनट से जाते हैं तो हमारा बहुत कम टाइम लग जाएगा और आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं ऐसे क्वेश्चन हर एक क्लास में ऐड करता रहूँगा, जिससे आपको जो भी इसका ट्रिक होगा मैं उसको बताता रहूँगा और क्वेश्चन को ईजी वे में और जल्दी से कर पाएँ, जिससे आपका टाइम बच पाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का ही खेल होता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया आपका, पी कितना दिया है 15, पी कितना दिया आपका, पी आपका कितना दिया 15,000 रुपीज। ठीक है, आप कितने प्रतिशत, कितने 15% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया जाता है, तो सी आई दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का सी आई का पूछा है, और साधारण ब्याज होता है तो आप लोग फार्मूला से कर लेते आराम से निकल जाता है, बट दिस इज सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखिए अगर आप जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, जैसे बचपन में आप फॉर्मूला पढ़ेंगे ए बराबर पी 1+R/100 ये आप पढ़े हैं, इससे आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन, इसमें यही क्वेश्चन है, एक प्रकार से मैं यही बताता हूँ, यही क्वेश्चन है कि 15,000 है, पी हमारा 15,000 है और आर हमारा 15% है और समय मान लीजिए 2 वर्ष है। ऐसे अगर आपको आप बोल दिया जाए कि आप क्या करो सी आई निकालो, ठीक है, ये आपका बोल दिया जाए कि सी आई निकालो, तो ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे, जिस वे से लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको ये फार्मूला का यूज करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अभी मैं इसको बता देता हूं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं, इसके बाद मैं इस तरीके को बता देता हूं। ठीक है, तो सिंपल सा देखिएगा क्या कीजिए, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, 15% को अगर हम कहें कि फ्रैक्शन के रूप में चेंज करो तो कैसे करोगे, जल्दी से कमेंट करो, 15% को अगर फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना हो तो कैसे करोगे, ये 15% दिया है इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 15/100। यहाँ तक समझ में आया, देखिएगा ट्रिक्स लगा रहा हूँ, बाई बेसिक मेथड नहीं लगा रहा हूँ, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3/20। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है कितने ईयर्स का, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का, यानी तीन तक, दूसरे वर्ष यानी तीसरे वर्ष तक, ये आपका कितना आ जाएगा 15,000 लिख लिए। अब ये 3/20 लिख लो फर्स्ट ईयर, ठीक है, अब सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 20+3 कितना हो जाता है 30, और नीचे वाला को 20 लिख लो। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या कर सकते हो, फिर 3/20 लिख लो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से ऐसे इसको कर लेते हैं, काट देते हैं, हो जाएगा 15×9×23/8। ठीक है, तो यहाँ से जो डिफरेंस है, यहाँ से वो जो हम लोग का डिफरेंस है वो यहाँ से निकल जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 388.125। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है, छोटा सा तरीका है, इसको मैंने बताया। अगर आपको ऐसे भी निकालना है, नहीं हमको बेसिक्स करना है, तो यहाँ से तब जाओ, वो आप जो बचपन में पढ़े ए बराबर पी 1+R/100, एक बार क्या करो टी की जगह 2 रखो, एक बार क्या करो टी की जगह 3 रखो, फिर उन दोनों को सॉल्व करके फिर उस दोनों का सी आई माइनस कर दो, सी आई 1-CI2। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं, ये दोनों तरीका आपके लिए है, तो आप जो चाहें उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें, देखिए जो मैंने अभी बताया था आपको कि कैसे इसको बताएंगे हम, कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, जो छोटा वाला जो अभी मैंने फार्मूला बताया था कि इस फार्मूले का यूज नहीं करना है, इस फार्मूले का बिना यूज किए हुए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
इसका देखिए कई मेथड होता है, कई तरीके होते हैं। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इस देखिए आप फॉर्मूला का यूज नहीं करना। अब मैं आपको, ये हो गया, अब ये मैं हटा देता हूँ और मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम लोग थोड़ा चेंज ये कर देते हैं, ये क्वेश्चन बोलिए, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन बनाकर बता रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा एक तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे करना है। ये आपका सब कुछ ऐसे ही है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए पी कितना दे दिया आपका, मान लीजिए पी आपका दे दिया 12,000, ठीक है, पी आपका दे दिया 12,000, आर आपका दे दिया 20%, आर आपका 20% दे दिया और टाइम दे दिया 2 वर्ष, ठीक है। अब पूछ दिया आपसे कि सी आई बताओ, क्या बताओ, सी आई बताओ, सी आई कितना होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे ये बराबर सब फार्मूला होता है P1+R/100T, इससे कर लेते हैं, लेकिन हमको इससे नहीं करना, ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना है, हम करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से, इस ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से। तो R बराबर कितना दिया है, देखिएगा ध्यान से, R बराबर 20%, इसको क्या कर देंगे 1/5 हो जाएगा, ठीक है, 1/5, यानी 5 रुपये पर हमको क्या मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 5 रुपये पर हमको क्या मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। पी रेशियो ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए क्या है, अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन होता है, पी क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन होता है, तो हमारा 5 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिलता है। अब आपको ये पता होगा ए बराबर क्या होता है, पी प्लस आई, यानी प्रॉफिट प्लस ब्याज, तो पी हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, और हमारा जो इंटरेस्ट कितना है, 1 है, तो 5 और + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार हम लोग इसको लिख लिए, ठीक है, 2 बार अब लिख लिए, अब कितना आ जाएगा, 5×5=25, 6×6=36, हमारा जो 25 क्या है, हमारा ये हमारा पी है, और ये क्या है, मिश्रधन, यानी अमाउंट कितना है, ये हमारा 36 है, और क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 12,000 दिया, किसका मान दिया है, 25 का मान दिया है, तो 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब हमारा मूलधन कितना दिया, 25 × और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का अंतर क्या पूछा है, मल्टीप्लाई किससे करना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 36 - 25 = 11। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या है, सी आई निकालना है ना, सी आई निकालना रहेगा, तो दोनों का अंतर यही से हम कह देते इस क्वेश्चन से कि मिश्रधन बताओ, डायरेक्ट पूछ देते कि मिश्रधन बताओ, तो दोनों तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ से सी आई हो गया, अंतर निकाल दिए, मिश्रधन बताना है तो 12,000/25 × 36 कर लो, ये आपका मिश्रधन, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, यहाँ से आपका सी आई निकल जाएगा। तो इस फार्मूला का यूज किए बिना इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, समझ में आया। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2500 को 100, 25 × 200, ठीक है, 2500 × 200, और आपका यहाँ 480 और 1100 × 1188 = 44,852, यानी 5280 रुपया इसका सी आई होगा। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, और अगर यहाँ से ऐसे इसको भी करते हैं तो 480 से गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा उसका यहाँ पे अमाउंट होगा। तो ये 2 तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे इसको करना है, तो बहुत ही बढ़िया तरीका था, थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना था, तो एक तरीका मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, पर ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, तो सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, सी अकेले समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करके प्राइस का आंसर कमेंट कीजिए। ए कैन डू 60% ऑफ ए वर्क इन 18 डेज, वाइल बी कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज, टुगेदर दे वर्क फॉर 10 डेज, सी कैन डू रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, अब पूछा है कि दोनों को कैसे कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए एक जो है ये कितना कर रहा है, ध्यान देखिएगा, ये जो है 60%, ठीक है, 60% कितने दिन में करता है, 18 दिन में, ठीक। अब 60% 18 दिन में, तो अब यहाँ से इसको या तो आप चाहें तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ये 60% कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, 100% कितने दिन में करेगा, 18 और 20 × 60 = 100, यानी 5/3 × 18, यानी ये पूरा 100% वर्क 6/5 = 30 दिन में करेगा। कैसे किया मैंने, यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा 60% को अगर आपको चेंज करना हो
60 बटे 100 होता है, यानी 60 काम 18 दिन में, तो 100 काम कितना जाएगा, 18 गुणे 100 बटे 60, ऐसे भी कर सकते हो, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, यहाँ से हो गया, ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब यहाँ से ए पूरा काम 30 दिन में करता है। अब हम आते हैं बी पे, बी कितना कर रहा है, 40%, कितने दिन में, 10 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 गुणे 100 बटे 40 कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, ये 5, ये कितना हो जाएगा, 25। बी उस काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में, बी उस काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ए कितना किया 30 दिन में, बी कितना किया 25 दिन में, दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा, 25 × 150, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, दोनों मिलकर एक साथ उस काम को 10 दिनों तक करते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, बी की एफिशिएंसी 6, दोनों का जब दोनों साथ काम करते हैं तो 5, 6, 11, और कितने दिन तक, 10 दिन तक, कितना काम हो गया, 110 दिन, 110 काम आपका हो गया, टोटल काम कितना है, 150, बचा काम कितना हुआ, 150 − 110, कितना काम बचा, 40, 40 काम को सी कितने दिन में कर रहा है, देखिए सी शेष कार्य को 4 दिन में करता है, सी शेष कार्य कितना है, 40, और कितने दिन में करता है, 4 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10, तो सी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। अब पूछा कि सी अकेले पूरे कार्य को, पूरा कार्य कितना है, 150, 150 को सी को काम करना है, तो सी बराबर 150 / 10, यानी 15 दिन में उस कार्य को फिक्स कर देगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ से आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, देखिएगा ठीक है, किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है, तो तार की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या पूछा है, हाइट पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, इट इज मेटल एंड ड्रॉ इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वायर। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन आप लोग देखिए मीटर में दिया है, ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में दिया हुआ है, ये आपका किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखिए गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, और जो तार क्या होता है, बेलन का आकार का होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आपका होता है πr²h। ठीक है, ये हो गया, पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, 4/3 रहने देते हैं, आर का मान कितना दिया, 9 का क्यूब करोगे पूरे 4/3, और आर का कितना दिया है, 0.3 × h, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अब यहाँ से आप लोग 9 × 81 इसका 729 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4/3 आपका 0.09 × h। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिए कितना आएगा, 729 × 4/0.09 × 3। अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 81 × 4 9 × 100 ऊपर कर दो, ये आपका जाएगा 981। ठीक है, ये इतना आ गया आपका, और कुछ इसमें छूट रहा है, 936 360 आ रहा है, और ये आपका हो जाएगा, टेक्नोटिकमेट यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 3 से जब यहाँ 9 से काटेंगे तो तब ये आएगा, और यहाँ 3 बचेगा, ये आपका 3 बचेगा, यहाँ आपका जाएगा 9 ऑलरेडी कट गया, 9 से काटे 9 + 9 = 9 आपका ऑलरेडी यहाँ सट गया, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 27। ठीक है, 2700 × 108 ये 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 108 मीटर, तो एच की हाइट कितनी आ गई, 108 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ते हैं 10 पे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, 3 cot θ + 10θ − 2√3 = 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है थीटा का मान कितना होगा, अब हम लोग चाहें तो इसमें थीटा का मान रखकर आप बाई ऑप्शन से इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में मिले तो आप लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे, अब थीटा का मान कितना रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। पहला ऑप्शन 60 है, पहला ऑप्शन हम लोग 60 रख देते हैं, ठीक है, 60 + 10 = 60
-2√3, ठीक है, जीरो लाना है। कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3, 3 × 1/√3 प्लस, और टेन 60 का मान कितना होता है 3 -2√3। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 3/√3 प्लस √3 -3√3, तो 3 + 3 -2, ठीक है। और यहाँ से अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे √3, और यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो √3 यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी √3 होगा, ये आपका हो जाएगा √3, 6 × 4√3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो फिर से, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ये तो ऐसे सिंपल सा कर सकते हैं ना, इतना इतना क्या बोलते हैं डिफॉल्ट बनाने का करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा ये करने का जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, एक मिनट, ये आप यहाँ से 3 है ना, तो यहाँ से काटेंगे तो √3 ऑलरेडी बचेगा, √3 प्लस √3 -2√3, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 -2√3, ये कट जाएगा, दोनों क्या हो गया जीरो हो गया। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, थीटा बराबर हमारा आ गया 60 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी ये आप रख के सॉल्व कर सकते हैं तो आपका नहीं आएगा सर, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यदि किसी डेटा का बहुलक माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर कितना होगा, ये आपका पूछा है। द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, पार्टिकुलर टॉपिक से बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन सब फिक्स हैं, आप लोग स्टार लगा कर रख लीजिएगा, इससे आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। तो इसका बस एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना रहता है बस, और कुछ नहीं इसमें है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका 2 माध्य, ये आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है। अब क्या पूछा है, बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछा है, ठीक है। बहुलक देखिए क्या दिया है, बहुलक तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको मैं बी वो लिखता हूँ, ठीक है, माध्यिका को मैं मो लिखता हूँ, ठीक है, इसको यम लिख देता हूँ, इसको 2 मो लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ब प्लस यम प्लस 2 यम और 2 मो, ठीक है, बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ था, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 माध्यिका 2 यम माध्य, ठीक है। इसका कितना अंतर दिया है 24 दिया है, 24 लिख दिया। अब क्या पूछा है, माध्यिका और माध्य का अंतर है, इन दोनों का अंतर पूछा है 2, ये आपका यम नहीं, एक मिनट, ये आपका मो, ठीक है, यम माइनस मो, ये डिवाइड कर देंगे तो यम माइनस मो बराबर कितना जाएगा 12, ठीक है। तो 12 आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो क्या है यम, क्या आपका माध्यिका को डिनोट किया मैंने अपने मन से समझने के लिए, एग्जाम में आप ऐसे पूरा थोड़ी लिखेंगे, यहाँ मीडियन है तो मीडियन ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, बस यम ही लिख दो, मोड दिया है मीन दिया है तो यम या नहीं लिख दो मीन हो गया, यम ही लिख दिया, एम डी लिख दी, तो ये चीज़ें ऐसे करके किया करना रहता है। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद किए रहेंगे, बाकी आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।